आज रंग हरी माँ रंग हरी आज रंग है मोरे जवन पे जवन आया मोहे पिया बेलन रुत मन भायो मुआ जग बैरी का है संग हरी आज रंग है। और एक तू है जो एक चाबियों का गुच्छा नहीं उठा के ला सकती वहां से, वो फिटे मुंह है तेरा। नहीं अपा जी, अपा जी। खुदा की कसम है, जान से मार दूंगा किसी दिन तुझे मैं। मर तुम्हें कब की गई हूं, ये तो मेरा भूत है, मैं तो मर ही गई। बता क्या सुना तूने? यही कि आशिक हो गई हो अपनी बीवी पे, इसीलिए सबको उल्लू बना रहे हो। हाय मिया फरीद रह गया। एक चपेट दूंगा तो बतीसी मुंह से निकल के जा पड़ेगी उधर। झूठ तो नहीं कह रही, वो भी उधर तेरे लिए बदामों की सरदाई बना रही है। नाना जी सबके साथ आराम से रह लेंगे, जीजी के साथ तो जो कुछ होना था वो हो गया। जीजी के साथ क्या हुआ, किसी को क्या पता कि जीजी के साथ क्या हुआ। बैठ जा। देख रहा ना, दो चार दिन में जो कुछ होगा, तेरा मेरा निकाह, जीजी की रुखसती, अब्बा जी का मरना, मेरी दस्तारबंदी, ये सारे काम 20 सालों में होने थे। अब जब इतने सारे बड़े काम इकट्ठे हो जाएं तो कुछ असर तो पड़ता है।
बैठ 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 जा बैठ जा। उस रोज मैं अबाजी की बीमारी की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए कुछ ज्यादा कह गया तुझे। सुन, अब हम दोनों ही इस घर के बड़े हैं। चाची की बराबरदार तू और चाचे का बराबरदार मैं। अब तूने अपने मां बाप को अपना मां बाप नहीं समझना, शरीका समझना है। और अगर तूने उन्हें अपना मां बाप समझा तो ये हवेली, ये शान और शौकत, ये सब उनकी हो जाएगी। जीजी को देखा तूने? अपने बाप के मरने पे नहीं आई ना वो? नहीं आई ना? रीत निभाई ना उसने अपने ससुराल की? तूने भी अब यही सब कुछ करना है। देखिए, ये घर सिर्फ तेरा है, सिर्फ और सिर्फ तेरा, ना आप ही का है और ना ही आसिया का। अरे वो दोनों बिचारियां तो, खैर छोड़। सुन, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद तूने इस घर का ध्यान रखना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चाची रखा करती थी अपने घर का। चल पी ले इसे, पी ले। समझदार है। ओए, पैसे लाए? ठहरा जा, मैं पकड़ लेता हूँ। लाया पैसे? जी चाचा जी। चल ठहर फिर जरा। चल अब तूने फड़ा है तो जा ले, जा जा, खुश रह। बेबली बेबली, उल्लू बली, उल्लू। हाँ हाँ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनता? ये उल्लू लेना है मैंने, 5,000 का। हाँ हाय, 5,000 का? देखो खुदा का खौफ कर, उल्लू वो भी 5,000 का। अभी मैंने तुझे देखा, वो लड़का यहाँ से गया ना, उसे तूने बटेर मुफ्त में दिया, पैसे तो लिए ही नहीं, और मुझे उल्लू 5,000 का? खुदा का खौफ कर कुछ। ओए खुदा का खौफ मैं करूं? ओए अल्लाह वसाए की माँ, ओ तूने उल्लू कोई सालन में थोड़ी डालना है। ओ अपनी बहू पर जादू कराने के लिए ले जा रही है ना? वो ले जा रही है कि नहीं? हाँ हाँ, तो कट फिर। सबर कर, तेरे यूं
खुदा का खौफ। चुमकियां बेची है मैंने, ये ले पकड़ गिन ले। ला इधर छड़। बात सुन, किसी को बताए ना। पता है ऐसे आज अब्बा जी की याद आ गई। बड़ा याद कर रहे थे तुझे आखिरी दिन। मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की मौत पड़ी हुई थी, बात भी नहीं कर सकी आखिरी दफा। ना सुनिए, बेटियां हमेशा कोई बापों के पास थोड़ी रहती। अपनी नजीर फातिमा को ही देख ले, बदनसीब। आप ही जी, उस सैद नहीं मिल रहा जी, सवेर से गायब है। सैद? तौबा तौबा जी, गैर मरद का नाम आपके सामने ले लिया, माफ कर दीजिए। मुझे थोड़ी देर की छुट्टी दे दे, मेरा सैद नहीं मिल रहा। देखो किधर रुल रहा है पागल का बच्चा। चल जा, जल्दी आई। चला कुछ खा ले। अच्छा ऐसे डंगरों की तरह कमरे में नहीं घुसते, दरवाजा खटखटा के आते हैं। मुझे आदत है ना निक्की मियां के कमरे में ऐसे ही आने की, इसलिए। बुरी आदत है बदल ले, अब तुझे बहुत सी आदतें बदलनी पड़ेंगी। और निक्के मियां नहीं, मियां गुलाम फरीदी बड़े मियां हैं, समझी? हाय हाय बाजी जी, नसीबों की बात है। अब आप इधर आई और मियां यकूब फौत हो गए, सारी बादशाही आपको मिल गई। उधर हमारी नजीर आपी, क्या
आपके अब्बा जी तो बड़े तगड़े हैं। बेचारी आप ही। निकल जाए यहां से, चल निकल। कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं आप, कुछ मामलात हैं पार्टी के वो देखने हैं। जब अब्बा जी हयात थे तो सब कुछ वो ही देख लिया करते थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता था। अब समझ में नहीं आता है कि कहां से शुरू करूं, कहां से। ऐसे लगता है कि सर पे छाती नहीं रही, नंगे सर धूप में खड़ा हूं। चुप कर जा गुलाम फरीद, जाने वालों को नहीं रोते, ये सबरी होती है। सबर कर, गुलाम फरीद के कपड़े गाड़ी में रखे और उस गुले राणा को बुला। उसको क्यों बुला रही है? जरूरी बात करनी है। मासी सदके जाए, चल ना, चल 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 भी कर। अम्मा चुप करके चल ना सीधा, चल ना, आजा मेरा बच्चा। अम्मा मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, अम्मा मैं नहीं जाना। अम्मा होना वहां अकेली है, अम्मा अकेली है। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, अम्मा अम्मा मैं नहीं जाना, अम्मा अम्मा अकेली है वो, अम्मा अम्मा मैं उसके पास जाऊंगा, अम्मा अम्मा मैं उसके। चुप, चल उठ, उठ, उठते कि नहीं, चल चल उठ, मैं मार देंगे, चल चल अम्मा, चल चल। गुलाम फरीद जा रहा है आज, तू भी जा इसके साथ आसिया। वो इतनी जल्दी क्या है अबे, और फिर तू अकेली रह जाएगी, इसका हर्ज होगा। अकेली तो नजीर फातिमा भी होगी। उसकी बात अलग है आपे, हम चारों का एक दूसरे के सिवा अब है ही कौन। कम से कम यहां रहेगी तो माँ बाप को याद करके चार आंसू तो भाग सकेगी ना।
अब्बा जी आसिया को मेम कहा करते थे। बड़ा ख्वाब था उनका इसको एमए अंग्रेजी कराना। इसका हरज होगा, तू इसे ले जा, रोना तो अब है ही, चाहे यहां रो ले चाहे शहर जाके रो ले। अब्बा जी का ख्वाब, अब्बा जी का ख्वाब तो सबसे बड़ा यह था कि चाचा इसहाक मिल जाए। वो बैठा है ना चाचे इसहाक का नुमाइंदा यहाँ। ठीक है आप ही, ठीक है जो तेरा हुक्म। वैसे भी अब अब्बा जी के बाद हमारे पास राह ही क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया। साजदा जी, आप ही जी। आसिया के कपड़े शपड़े तैयार कर, शहर जाएगी फरीद के साथ। और अभी वो आप ही इसे हमेशा अपनी गोली समझना, नौकरानी। क्या है? मैं बताता हूं, वो अकेली है, बिल्कुल अकेली, और पागलों ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुप चुप, मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। चुप कर जा, सुन लिया ना? चल दे उन्हें। सुना सुना तूने? बचा ले वली, इसने कुछ नहीं किया, इसे बचा ले, मार देंगे वो इसे। ओहो क्या हला, तू हट, मैं जाऊंगा उसके पास। देख, मैंने कभी अवेली की कोई बात नहीं की, नमक खाया अवेली का, आज भी कोई बात नहीं करूंगी, बस तू इसे संभाल ले, जितनी देर मैं अंदर रहूं इसे अपने पास रख ले। चाट मैं मारूंगा तेरे को, चाट मैं तू, मार दे, मार देंगे, मार देंगे मैं तुझे, रख इसे अपने पास जब तक मैं हूं। बता तो सही, तू बस इसे संभाल, मुझे इसके पास जाना है, छोड़ दे मुझे, इसके पास जाना, मैं तेरे हाथ से जोड़ना है, छोड़ दे यार। उस रोज जीजी और भाई गुलाम फरीद की शादी हुई थी, और जब मैं घर पहुंची तो ना जीजी थी ना अब्बा जी। तुम अपनी बहन के बारे में इतनी हसरत से क्यों बात कर रही हो? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, उनसे तो मिलोगी ना? कौन जाने, उनकी बेटी भाई गुलाम फरीद की बीवी है, और भाई ने आपा से कहा है कि मुझसे जो मर्जी चाहे सलूक करे, लेकिन ये सब करने से हमारी तकलीफ तो कम नहीं होगी ना? तुम हिम्मत करो, खुद को मजबूत करो, और अपने चचा के घर जाके खुद मिलाओ, इसमें क्या मुश्किल है? समरा, ये सब बातें यहाँ सिविलाइज लोगों में बैठ के करना आसान होती हैं, हाँ बंद कमरों
और अंधेरे रोशनदान वाली हवेलियों में ये बात नामुमकिन है। खैर तुमने अच्छा किया तुम आ गई, सर चौहान तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुके हैं। सर चौहान ने मेरा पूछा है? हाँ, हमें तो नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई है। इनफैक्ट उनके ड्राइवर ने भी आके कुछ नहीं बताया। बाकी सबको तो सुबह पता चला था, हवेली की बातें बाहर नहीं निकलती। गुलाम अली, कहाँ जा रहे हो? गुलाम फरीद शहर गए, मैं राणा को लेने जा रहा हूं। कोई जरूरत नहीं उसे लाने की, जाओ उधर जाके आराम करो। राना बहुत परेशान हो रही होगी, वहां कनीस फातिमा को अब तक पता चल गया होगा। वो अकेली और उसका पूरा खानदान। कौन सा खानदान? जिस घर का सरबराह बदसात हो वो घर घराना तो बन सकता है, खानदान नहीं। वो भागने की कोशिश कर रही होगी, मैं गाड़ी लेके चला जाता हूं, उसको तो रास्तों का भी नहीं पता। बहुत ख्याल है तुझे बहन का। बहन का ख्याल मुझे नहीं होगा तो फिर किसको होगा? उसे उसके हाल पे छोड़ दे, वो नजीर फातिमा के बट्टे पे गई है। अगर उन लोगों को नजीर फातिमा की परवाह नहीं तो हम गुले राना का जिक्र करके क्यों हल्के पड़ते? वो रुल जाएगी, बहुत बुरी हो रही होगी उसके साथ। जितनी बुरी हमने नजीर फातिमा के साथ की है उससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो रही। जा सो जा जाके। बहुत दुख हुआ आपके वालिद का सुनकर। ये उसी रोज हुआ जब जब मैं वहां पहुंची तो वो नहीं रहे थे। I'm really very sorry. मैं आपके दुख में कमी तो नहीं ला सकता, बट इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू? Anything. मैं अब जाऊं सर। But I will call you.
ये आपका ख्वाब सुन लो। Divine love. That's the spirit. तेरे अलावा और कौन हो सकता है? तूने लगाई थी ना कुंडी? देख साष्टा, सच सच बता दे मुझे, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ूंगी। बोल, तूने लगाई थी ना कुंडी? तूने राणा कुंडी में? राणा बीबी, आपको कैसे पता चला कि कुंडी मैंने लगाई है? कुंडी रोज लगा करेगी। गुलाम फरीद शहर गया है, कल कला कोई भाग गई तो चल जा काम कर अपना। अरे क्या बात है, क्यों आई है? हवेली में बड़ा दिल घबराता है, बड़ी वीरानी है। आहो, जिसकी हवेली थी वो ही चला गया है तो रानी तो छाएगी ना। बाजरा होगा तेरे पास थोड़ा सा? क्या करना है? हवेली में बाजरा कम है क्या? भड़ोलों की चाबियां मियां गुलाम फरीद ले गए। वेखना अब एक बंदे के जाने से क्या क्या हो जाता है। और वो कहे भी तो अचानक ही ना। चल तू बाजरा दे, अभी घर जाके पीसना भी है, पैसे तुझे खाला बतूल दे देगी। खाला बतूल कख नहीं है उसके पास। जब तक तू बाहर नहीं आएगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। बैठा रहूंगा
आसिया तुम्हें वार्डन बुला रही थी। क्यों? पता नहीं, खुद जाके पूछ लो। अच्छा जाती हूँ। जी मैम, आपको सर चौहान ने क्यों बुलाया है? वो मैम असाइनमेंट देनी थी, शायद इसलिए बुलाया होगा। जो भी है, तुम चली जाओ, मैं स्लिप बना के रख देती हूँ, आके साइन कर देना। जी मैम। आप ही वो, आपका बुर्का शायद मेरे कमरे में रह गया था। तुम्हारे लिए नज़ीर फातिमा का है। तुम नज़ीर फातिमा की जगह आई हो। अगर किसी रोज़ यहाँ से भागने का मौका मिला, साजिदा ने रात को कुंडी ना लगाई तो तुम्हारे काम आएगा। सर, हाँ क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। बैड बैड। अरे वो अल्लाह बख्शे, अपने अब्बा जी के भी बड़े ही अजीब शौक थे। जिस घर की औरतें सदियों से पर्दे में थी, उसे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, एमए अंग्रेजी। मेरी तो अभी एफए की अंग्रेजी पास नहीं हुई है। आसिया बड़ी मासूम बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता है दुनिया का, और शहर तो होता भी जंगल है। हर बघियार तो पैंट और शर्ट पहन के फिरता है यहाँ पे, ऊपर से बातें करता है मीठी मीठी। जी हाँ सरकार, शहर में बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। अब वो तेरी जिम्मेदारी है, उस बेचारी को इन बातों का कुछ नहीं पता, और अगर किसी को ये पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। स्किंड स्किंड की रिपोर्ट चाहिए मुझे। जी सर। साया बन के रहना है उसके साथ। आप बेफिक्र हो जाएं सरकार, इजाजत। तुझे पता है ना, अभी
कि जो चाहे इस घर से भाग सकता है। मैं, आप, साजिदा, आसिया, कोई भी, ये कुंडियां तारे तो धोखा है। कम से कम खुद को तो धोखा मत दे आप। चाचा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रोफेसर बता रहे थे कि अब हम जीजी से मिल सकते हैं। आज रंग है रीमा, रंग है री, आज रंग...